मऊ के थाना घोसी कोतवाली क्षेत्र के अमिला में सुवेंद्र गुप्ता 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि व्यक्ति के ऊपर 37,000 रुपए के बिजली का बिल बकाया था, जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारी रोज वसूली के नाम पर धमकाया करते थे। परिजनों का आरोप है कि बिजली बकाया की वसूली के दबाव के चलते सुवेंद्र गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। पेश है आसिफ रिजवी की एक रिपोर्ट। कितना बिल बाकी था? कितना बिल बाकी था बिजली का? अब वही बताएंगे, कुछ 20,000 बाकी रहा। तो क्या कहे बिजली विभाग के अधिकारी आए तो क्या कहे? वही बात की है, उधर मार भीड़ लगल है भैया, हम ना आ गए नहीं आदमी के भीड़ में। तो बिजली विभाग के बिल के कारण ही सुसाइड किए हैं ये? भैया क्या कहे कि बिजली विभाग वाले क्या बोले? वो लोग से उन्हें बात की है तो हम नहीं जानते, हम दुकान में कस्टमर देख रहे थे और वो जाके उसमें बात कर रहे थे, बहुत भीड़ थी हम नहीं गए। अब उसी में क्या बात हुआ हम नहीं जानते, ऐलान हुआ कि एक दिन के अंदर कहा तुम्हें, हम एक दिन के अंदर कहा से पैसा लिया।